हरियाणा जी की, तुम हरियाणा जी के पीछे इतने मत फिरो। अमित फिर बोलेगा, हरियाणा जी के की कोई भी बुक हो आपके पास, एकलव्य की हो, विद्यापीठ हो, या अपने वाली हरियाणा दूरदर्शन हो, या हरियाणा दिग्दर्शन हो, अरियंत की, या किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक पढ़ लो बस। हरियाणा जीके में कोई अलग से डाटा नहीं होता, लेकिन तुमने सारा दिन यूट्यूब पे हरियाणा जीके, इतने हरियाणा जीके, इतने तो हरियाणा जीके पे फुपाया करा, नहीं फुपाया फुपाया, केड़े ले रहा केड़े ले रहा, इतने तो तुम वहां हरियाणा जीके के पीछे घूमते हो सारा दिन। तो हरियाणा जीके के लिए इतना घूमने की जरूरत नहीं है। हरियाणा जीके के लिए आज तुम्हारा लिए परसेप्शन ही खत्म कर देता हूं। अगर 20 से 25 क्वेश्चन आए भी गए हरियाणा जीके, बेशक से हमारे पास तीन टीचर हो, बट हम हरियाणा जीके को इतना प्रेफर नहीं करते। क्लास होती होंगी, बट यूट्यूब पे हमेशा किसी भी नए बच्चे को क्लास नहीं लेनी चाहिए। यूट्यूब कोई जरिया नहीं है सिलेक्शन का नए बच्चे के लिए, यूट्यूब है पुराने पापियों के लिए जिनका सिलेबस बार बार हो चुका है, कि यूट्यूब पे कुछ नया कंटेंट मिल जाए टीचर अगर दमदार हो तो, दैट्स इट, उनके लिए। नए बच्चों के लिए सिर्फ क्या करो, हरियाणा जीके की कोई भी एक बुक उठाई वो पढ़ो, जितने प्रीवियस ईयर में आए वो पढ़ो, प्रीवियस ईयर में जितनी गलती होती दोबारा से हरियाणा जीके पढ़ो। मैक्सिमम एक से दो बुक आपके पास होनी चाहिए। हरियाणा जीके के लिए बड़ी बड़ी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, और ना यूट्यूब पे धक्के खाने की जरूरत हो। यूट्यूब पे वही बच्चा पढ़े जिसका सिलेबस बहुत बार हो चुका हो, बट आप नहीं मानोगे क्योंकि आपको आदत है कि सर तो वैसे ही बोलते होंगे, सर तो झूठ बोलते हो, ये तो बिजनेसमैन है, ये मानो या ना मानो, कई कुछ एक दो साल के बाद मान जाओ, ठीक है ना। चलो